हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑफिशियल वीडियो मूवीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि ये कार्ड देख रहे हैं, ये कार्ड इस टीवी का है जो कि जल चुका है पूरी तरह से। ये सब जल चुका है, सब रिपेयर करके देखे, रिपेयर नहीं हुआ, लेकिन इसको चेंज करना पड़ा। और इसमें चेंज करने के लिए देखिए, यह चेंज किए हैं, सेम हल्का दूसरा मॉडल का कार्ड लगाए हैं जो मेरे पास सेकेंड हैंड था। ये भी रिपेयर ही है, देखते हैं इसको लगा करके कैसा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए देखिए इसमें लाइन दिए, देखते हैं चालू करके। माइक्रोमैक्स, ओ देखिए इसमें उल्टा फिगर आ रहा है। देखिए थोड़ा सा मैचिंग था इस कार्ड में, होता था जो कि ऑफ था, इस डेट था। ये कार्ड मॉडल नंबर दूसरा है और उसका दूसरा है। इसको मैं ठीक कर दूंगा। इसका एक कोड आता है जो कि इसका ये बोर्ड है, हाँ टेक्सला का ये टीवी है और ये माइक्रोमैक्स का बोर्ड लगा है। एक ये ओरिजिनल बोर्ड लगाए हैं, देख सकते हैं। अब इसको यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा रिमोट पे कीजिएगा, माइक्रोमैक्स का देख रहे हैं, ओरिजिनल रिमोट है। इसको मैं जो उल्टा है मिरर है, इसको मैं सीधा कर दूंगा। देखिए ये कोड आता है, मैं पिछला वीडियो में बताया था एक कोड के बारे में जो कि काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी, इसलिए मैं इस फिर वही कोड का इसमें उपयोग करूँगा। देख सकते हैं ये सेंसर सीधा कर देते हैं, मेनू 1147। देखिए फैक्ट्री खुल गया, ये देखिए पूरा ऑल टू ऑल उल्टा आ रहा है। देखिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, एग्जिट मेनू का बटन 1147 नहीं हुआ, फिर से ट्राई करेंगे। मेनू 1147 हम फास्ट में करना है। नीचे आएंगे यहाँ पे, देखिए नीचे आएंगे स्लॉट में, नीचे में देखिए यहाँ पे पैनल सेटिंग है। पैनल से आपको उल्टा नज़र आता होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए पैनल सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे में आइए। यहाँ पे देखिए मिरर, यहाँ पे देख लीजिए, किसी में ऑफ भी रहेगा तो भी उल्टा रहेगा, ऑन रहेगा तो भी उल्टा, जिसमें जो रहेगा उसको चेंज कर देना। जैसे ऑफ रहेगा कभी तो उसको ऑन कर देना, अभी ऑन है तो इसको ऑफ कर देंगे। फिर इसमें जाकर मिरर देखिए, यहाँ पे मिरर है 10 नंबर में, इसको जाकर ऑफ कर देंगे। देखिए सीधा हो गया मेरा, बिल्कुल परफेक्ट सीधा हो गया। मैं एग्जिट करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं मैं सोर्स USB। देखिए फुल्ली सीधा हो चुका है, ये मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। जो कि ये बोर्ड था जो कि फुल्ली डेड था, इसमें था स्टैंड बाई प्रॉब्लम, ये सॉल्व नहीं हो पाया। मैंने इसमें एक्स्ट्रा पावर किट भी लगाया तो भी ये सॉल्व नहीं हो पाया। इसमें देख सकते हैं मैं ये दूसरा कार्ड लगाया जो कि सेम रेजुलेशन का था, इसे मैच कर चुका है। कोई भी कार्ड लगाइएगा, रेजुलेशन के हिसाब से ही लगाइएगा, ठीक है। करें सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को इससे ज़्यादा वीडियो